हेलो गाइज, नमस्ते। मैं हूँ सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है प्रथमाष्टमी। हैप्पी प्रथमाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो प्रथमाष्टमी के लिए मैंने आज इडली पिठा बना रही हूँ। ये फेस्टिवल ओडिशा में ही होता है। मतलब ये जो फेस्टिवल में ना घरों घर का जो पहला बच्चा उसका पूजा होता है और पिठा वगैरह बना के खाते हैं। मतलब ये फेस्टिवल में ना जो हल्दी पत्ता का पिठा बनता है, लेकिन हल्दी पत्ता नहीं मिला, इसलिए मैं इडली पिठा और उसके साथ घुगुनी बना रही हूँ। देखिए, मैं इडली मेरा हो गया है, मैं इडली निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं घुगुनी बनाऊँगी। देखिए, घुगुनी के लिए जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, उसमें से थोड़ा सा जीरा, टमाटर और थोड़ा सा अदरक को मिला के मैंने ये पेस्ट बनाया है। मतलब इसमें ना, मतलब आज संक्रांति भी है और एक पूजा भी है ना, प्रथमाष्टमी का पूजा है, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज और जो लहसुन का पेस्ट नहीं बनाई हूँ। और इसमें ना कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के घुगनी बना रही हूँ। देखिए, और उबाल के रखा था मैंने मटर, और ये मटर, उबाल हुआ मटर मैं डालूँगी और थोड़ा सा आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी रखना है। और उसके बाद थोड़ा सा वो पकने के बाद हो जाएगा मटर करी। देखिए, प्रथमाष्टमी के लिए मेरा इडली पिठा और घुगुनी हो गया है। हेलो गाइज, अभी मैं बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए जा रही हूँ। हैप्पी प्रथमाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये मेरा प्रथमा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेबी। हैप्पी प्रथमाष्टमी टू यू। आज प्रथमाष्टमी है तो मैंने तो जो इडली पिठा और जो मटर करी बनाई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए। मतलब क्या है ना, हमारे जो ससुराल में नहीं है जो पूजा वगैरह, जो बच्चों को, मतलब जो पहला तो जो बच्चा है उसको जो बिठा के जो पूजा करते हैं वो नहीं है हमारा, सिर्फ पिठा करके खाते हैं। क्यों मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं है पूजा वगैरह करने का। तो हमारे मायके में है जो मेरा बड़ी बहन, वो पूजा होते हैं, लेकिन ससुराल में नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मतलब नहीं किया आज बेटी को, आज पिठा बनाया और बेटी भी खाया। अभी बेटी खा के स्कूल जा रही है। मैं आने के बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ। चलिए, आज संक्रांति भी है तो संक्रांति में कुछ नहीं, सिर्फ डालमा वगैरह बनाऊँगी। चलिए, बाय बाय बोल दो। ये देखिए, बेटी का स्कूल बैग है। स्कूल बैग। बाय 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 बोल दो। बाय। मैं बेटी को स्कूल में छोड़ के आ गई हूँ। अभी मैं लंच बनाने के लिए भिंडी कट कर रही हूँ और उसके साथ मैं डालमा भी बनाऊँगी। देखिए देखिए, डालमा में तड़का लगाने के लिए मैंने पहले तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद हींग डाल दिया और थोड़ा सा पंचफूरन डाल दिया, सूखी मिर्च डाल दिया और एक तेजपत्ता डाल दिया। लास्ट में देखिए, जो भुना हुआ जीरा और सूखी मिर्च का पाउडर डालना है। हाँ।
देखिए अभी मेरा लंच रेडी हो गया। ये रहा डालमा और ये भिंडी फ्राई। देखिए अभी मेरा लंच बनाना ख़त्म हो गया। अभी मैं जाऊंगी बेटी को लाके आऊंगी। तो मेरे को थोड़ी सी सर्दी हुई है और क्या ना, आज प्रथमाष्टमी और उसके साथ भी संक्रांति है। और क्या है ना, प्रथमाष्टमी में हमारा जो ससुराल में, मतलब हमारे घर में जो पिठा बनाते हैं उसको पूजा करते हैं और खाते हैं। मतलब जो जो पहला बच्चा जो उसके लिए जो प्रथमाष्टमी बनाते हैं उसको पूजा नहीं करते। ये हमारे घर में नहीं है, मतलब बच्चों को पूजा नहीं करते, भगवान के पास जो पिठा बनाते हैं उसको पूजा करते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो चलिए, और ये क्या है ना, जो मेरे पापा ने भी पैसा भेजा है मेरी बेटी के लिए, मतलब ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए। तो इसका तो बहुत ड्रेस है, मेरी बेटी का तो बहुत ड्रेस है, तो इसलिए मैंने ड्रेस नहीं लाई हूँ। इसका ड्रेस है अज्जा, उसका मतलब उसके अज्जा देके गए हैं ना, तो उसको ही मतलब स्कूल से आने के बाद उसको पहना दूँगी। चले बाय। आज प्रथमाष्टमी है ना, इसलिए मामा तुमको नया ड्रेस पहना रही है। ओके, ये अज्जा दिए थे ना तुमको। नया ड्रेस देखिए हो गया रेडी। यस, खड़े हो जाओ थोड़ा। खड़े आने के बाद उसका खेलना शुरू हो गया। आओ बेटा इधर मामा के पास आओ। देखिए स्कूल से आने के बाद ना इसका खेलना शुरू हो गया। देखिए टीटू थोड़ा सा फेस दिखा दो। ये मेरे पापा ने दिए थे ना, ये नया ड्रेस जो आए थे, और ये प्रथमाष्टमी के लिए भी पैसा भेजे है, लेकिन मैंने नया ड्रेस नहीं लाई हूँ क्योंकि ना इसका तो बहुत ड्रेस है, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सर्दी हुई है। देखिए हैप्पी मामा एक पॉपी देखिए, हैप्पी प्रथमाष्टमी। मामा को एक पॉपी नहीं प्लीज बोलो। नहीं और इधर थोड़ा घूम के दिखा, तुम्हारा नया ड्रेस दिखा दो। देखिए आज टिफिन बॉक्स में मैंने जो बनाया था, इडली, दो इडली दिया था और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चीनी दिया था। जो करी बनाया था इसलिए नहीं दिया कि वो इधर उधर हो के ना, वो मतलब टिफिन गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया था। देखिए दो इडली से एक इडली का आधा खाया है और एक ए इडली का मतलब खाया है, थोड़ा सा बच्चा है मतलब सब मिलके एक ही खाया है, मतलब इससे ज़्यादा खाया है और इससे कम खाया है, मतलब दो इडली दिया था एक इडली खाया और चीनी भी ख़त्म कर दिया है। थैंक यू बेटा। और जो पानी मैंने दिया था आधा पिया है और आधा बाकी है। देखिए आज टिटुलु, आज मामा टिफिन बॉक्स में क्या दिया था? ये खाया। क्या क्या बोलो, चीनी और क्या? इडली पा। ओके, और आ गए कि इडली पा और चीनी, तुमको कैसा लगा बेटा? अच्छा।
अच्छा लगा? ओके, लव यू बेटा। ओ थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके सबको बाय बोल दो। बाय बाय चाप। ओके ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, अभी पानी पानी थोड़ा पानी दो। फिर से बोलो। अंगू मामा बहुत अच्छी हो। क्यों मामा बहुत अच्छी है बेटा? अच्छी है। मामा बहुत अच्छी है और टिट्टू तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी है बेटा। खाओ, मांगा ना मामा को, अभी खाओ। खा थोड़ा सा इडली, थोड़ा सा इडली।